छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने वाले विधायक प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए अपने क्षेत्र के निगम से NOC प्राप्त करना होगा, तभी वह अपना नामांकन चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। 8 अक्टूबर से पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और 10 तारीख से ही निगम भिलाई के जनगणना शाखा में भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा से विधायक के लिए लड़ने वाले प्रत्याशियों को NOC देने के लिए काउंटर खोले गए हैं और यह सेवाएं अनवरत चलते रहे, इसलिए रविवार के दिन भी जनगणना शाखा में यह काम जारी रहा। नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व निरीक्षक जय कुमार जैन, जो कि नगर पालिक निगम भिलाई की तरफ से विधानसभा चुनाव के नोडल अधिकारी भी हैं, उन्होंने बताया कि अब तक 3 विधायक प्रत्याशी को NOC जारी किया जा चुका है। यहाँ से अपन NOC जारी कर रहे हैं, अभी 3 जन के NOC जारी किए हैं, 3 प्रत्याशी की, और NOC के लिए हम आज संडे के दिन भी सब ऑफिस में बैठे हैं। हम लोग बकाया देखना पड़ता है ना, उनका बकाया है कि कुछ निगम से कुछ उनका बकाया तो नहीं, टैक्स जल कर वगैरह कुछ चेक करके NOC देते हैं अपन, मुआवजा नया का आदेश है, अब ऐसा तो नहीं मिलेगी, NOC जरूरी है। फिलहाल नगर पालिक निगम भिलाई में अभी से अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरी तैयारियां करके कमर कस ली हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।